हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। पार्टी ने तय किया है कि अगले 3 महीने तक हर बूथ को मजबूत किया जाएगा और बूथ योद्धा तैयार किए जाएंगे। पार्टी लोकसभा स्तरीय रैलियां भी करेगी, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल समेत पार्टी के अधिकतर वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे। लोकसभा स्तरीय रैलियों के बाद आम आदमी पार्टी ने जिला विधानसभा स्तरीय बैठकों का सिलसिला आरंभ करने की कार्य योजना बना दी है। जिला स्तरीय बैठकें आपके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक लेंगे, जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों के अंतिम रूप दिए जाएंगे। नई दिल्ली में हुई आम आदमी पार्टी हरियाणा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा करने के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बातचीत की गई। प्रदेश पदाधिकारियों, जिला पदाधिकारियों के सुझाव लिए गए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में आपके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा ने बताया कि जनसंवाद के कार्यक्रम आरंभ हो चुके हैं। गांव शहरों में वार्ड स्तर पर जनसंवाद के कार्यक्रमों को गति प्रदान की जाएगी। 15 जुलाई तक जनसंवाद के कार्यक्रम पूरे कर लिए जाएंगे। दिल्ली पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकारों के कल्याणकारी फैसलों की जानकारी हरियाणा के लोगों को दी जाएगी, ताकि उसके आधार पर लोग तय कर सकें कि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों जरूरी है। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बताया कि दिल्ली पंजाब की सरकारों की तर्ज पर हरियाणा में बिजली और पानी मुफ्त दिया जाएगा। नशा खत्म करने के लिए मजबूत कार्य योजना तैयार कर उसे धरातल पर लागू किया जाएगा। अनुराग ढांडा ने बताया कि बैठक में सैद्धांतिक निर्णय लिया जा चुका है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में किसी दल से कोई गठजोड़ नहीं करेगी और सभी 90 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारेगी। इससे पहले प्रत्येक विधानसभा स्तर पर खुद की मजबूत टीम खड़ी की जाएगी। सुशील गुप्ता और अनुराग ढांडा ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे।